गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक नया दिन। आज डेट है 6 अप्रैल और बाहर का आप मौसम देख लो ऐसा है। और आज मतलब सैटरडे है और ये बंदा सुबह जिम करके आ गया है। कितने बजे गए थे? ओ ये ब्लॉगिंग मतलब डायट फैंस कुछ देखना चाहिए ना कि अच्छा जाए, पहले इतना खराब देख लो। आपको तो कुछ नहीं कहना, हाय एटीट्यूड है भाई, हाय में भी एटीट्यूड है जी। हाँ ऐसे अरे रुक जाओ, हाँ ऐसे स्पॉन्सर करते रहना चाहिए बीच बीच में, काम करो। तो अभी रुक जाओ, इन्हें भी उठा देता हूँ, ये उठ गए हो तो। हेलो, उठ जाओ भाई लोग, चल भाई जल्दी उठ जा, खेलने चलना है। आज सैटरडे है तो हम सोच रहे हैं बैडमिंटन खेले आते हैं, सुबह सही रहेगा। और बाकी स्विमिंग वगैरह का पूछ के आएंगे कैसे कार्ड्स वगैरह बनने हैं। कार्ड्स वो वाले नहीं, कार्ड्स मीन्स जो मतलब स्विमिंग कार्ड होता है, उसके बाद ही आप स्विमिंग कर सकते हो, ऐसा भी कुछ सीन है यहाँ पे। उसके लिए आपको पहले मेडिकल वगैरह बनवाना पड़ता है कॉलेज में, वो अप्रूव होता है जब भी स्विमिंग करने देते हैं। हमने पिछले सेमेस्टर में अप्लाई करा था ना, जब उन्होंने बोला था 7 महीने बाद आना जब स्विमिंग बंद हो गई थी, तो अब हम नहीं है तो स्विमिंग करने दो हमें कॉलेज वालों। सही बात है कि नहीं प्रतीक, ना पानी पी जाओगे सारा स्विमिंग पूल, कैसा ये कह रहा है? ऐसे मत करना है, गलत बात होती है। बाकी हम कल मैस से केले लेके आए थे, अब वो मैस ही हो गए हैं, लॉजिकल नहीं था। कोई बात नहीं, हम तो रेडी हो लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, तो बताएंगे आपको जैसे भी है। गाइस हम तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपने तो कर लिया ना पहले? नहीं आज। अच्छा सही में नहीं करा? ओ मुझे लगा कर लिया होगा। आपने तो कर लिया ना देवंश? नहीं करे, ब्रेकफास्ट नहीं किया। अच्छा मुझे लगा करके आया था। रात में खराब हो जाएगा रूम में पड़े पड़े सुबह से शाम तक दूध। हेल्थ कॉन्शियस तो उनकी डिस्कशन चलती रहेगी। हम तो जा रहे हैं अभी बैडमिंटन खेलने, उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज सैटरडे तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा शांत है, सब बच्चे सो रहे मज़े ले रहे हैं और बाकी बिल्डिंग बन रही है, बनती रहेगी ये, तो आप लोगों के आने से पहले बनी जाएगी फ्रेशर्स के। और फिर चलो सही है, जैसे भी बताते हैं आपको जो भी अपडेट होगा। गाइस ब्रेकफास्ट का अपडेट कुछ ऐसा है, देखो ये ओट्स हैं और ये भाजी है और ये वाटरमेलन है, ये दूध है, ये पूड़ी है, इसे पूड़ी भाजी कह रहे हैं कॉलेज वाले, हम मान रहे हैं। और बाकी ये भी कुछ कुछ ऐसा ही खा रहे हैं, ये भी इन्होंने खाना नहीं है, इनकी अलग डाइट चल रही है। सही बात है ना, बाकी हम खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे जैसे भी होगा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, अब हम आ गए बैडमिंटन खेलने। बाकी देख लो स्विमिंग पूल की सफाई हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप ये पता नहीं मैंने सुना स्टार्ट हो गई है, बाकी जैसे भी होगा देखी जाएगी। बाकी ये तो मैंने आपको दिखा रखा है क्या जगह है, और ये भी बताई थी खाने पीने के लिए, बैडमिंटन यहाँ पर है। चलते हैं अंदर दिखा देता हूँ कोर्ट का क्या सीन है। ओह लेट्स गो। बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स के पता नहीं कोई इंचार्ज वगैरह बैठते हैं, वहाँ से आपको सामान वगैरह मिल जाता है, खाली पड़ा है खेल सकते हैं। स्क्वैश कोर्ट्स तो मैंने आपको दिखाई रखे हैं, एक और बार देख लो क्विक रिव्यू, चलो खेल लेते हैं उसके बाद बताएंगे। गाइस अभी अराउंड 12 हो रहे हैं और अभी दोपहर में भूख वगैरह बढ़िया निकल रही है। हम तो जा रहे हैं नहाने, क्योंकि हम वीकेंड पे थोड़ा सा लेट कर देते हैं नहाना, वैसे क्लासेस वगैरह में चले जाते हैं सुबह, पर आज तो बैडमिंटन आने के बाद रेस, तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तैयारी वगैरह हमारी सारी डन हो गई है, तो आपको बताते हैं जैसे भी है, खाना खाने जाएंगे उसके बाद जैसे भी अपडेट होगा आपको देता हूँ मैं, तो जब तक के लिए ओके। गाइस अराउंड 1 बज रहा है और अभी मुझे पता चला है कि कहीं पे पानी लीक हो गया है, हम वो देखने जा रहे हैं क्योंकि स्टोरी वगैरह देखी थी हमने किसी की, तो वो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं कहाँ पर है जगह। चलो फिर पहुँचते हैं, अभी दिखाते हैं आपको जैसे भी होगा। यहाँ पे तो पानी वानी है नहीं, दिखाते हैं वो बढ़िया व्यू आ रहा है, लेट्स गो दिखाते हैं आपको जैसे भी होगा। गाइस एक्चुअली जब तक हम आए केस सॉल्व हो चुका है, देखो आप देख सकते हो पानी वानी फैला हुआ है यहाँ पे, बाकी पता नहीं नीचे तक वो फैलते हुए गया है। बाकी अब यहाँ पे तो मतलब पहुँच दिया है उन लोगों ने काफ़ी हद तक, देख लो आप ये काफ़ी हद तक अब सूख गया है, यहाँ पे ही भरा हुआ है, बाकी लिफ्ट वगैरह तो ऑफ कर दिया। अरे यहाँ तक भी पानी पहुँच गया है, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, C8 ओ माय गॉड, ये देखो अभी भी वैसे पानी भरा हुआ है देख सकते हो, ये देखो भैया वगैरह भी आए हुए हैं, पूरा पानी पानी चारों तरफ जैसे कोहरा कोहरा होता है। अरे ये वाला व्यू तो हमने भी नहीं देखा कभी, कौन सी जगह है हमें कुछ नहीं पता, देख लो आप। सही है भाई ये क्रेन,
ओ ये भैया मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये देख लो। ये पता चला इसका एंड यहाँ से पानी लीक हुआ है, वहाँ से वहाँ तक जा पाएंगे? अभी देखते हैं, रुक जाओ, लेट मी सी। हैं तो हम लोग के अंदर भी पहुँच गया है, देख लो, कोई बात नहीं, रुक जाओ मैं देख के आता हूँ। चारों तरफ सबके कमरों में देखने जा रहा हूँ ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हैं? यहाँ पे से कहीं है, हाँ ये देख लो, यहाँ से कहीं हुआ है कुछ बात, यहाँ से हुआ है खराब। ओहो यहाँ से हुआ है, भैया सही कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। देखो यहाँ पे भी फैला हुआ है पानी वगैरह, देख सकते हो आप, यहाँ से भी पूरा सीन हो रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है लोगों ने मैनेज कर लिया जल्दी, वरना बच्चे तैरना चालू करते थे, टिकट कटनी चालू हो जाती वाटर पार्क की। व्यू 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 व्यू, ये देख लो बाथरूम में भी हो रखा है पूरा, बाढ़ का पूरा चारों तरफ ऐसा लग रहा है, मतलब बाढ़ आ गई थी, बताओ। कोई बात नहीं, चलते हैं बताते हैं आपको जैसे भी जो भी सीन होगा। गाइज आपको मैं एक अपडेट दे देता हूँ, एक्चुअली हम मूवी देखने जा रहे हैं, हमारा सडन प्लान बना है, मतलब कि हम ऐसे ही बैठे बैठे को सोच रहे थे, ये बंदा मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि मेरे साथ मूवी देखने चलो, आपके लिए कर रहा हूँ केवल, मुझे मुझे कोई पसंद नहीं है देखना नहीं आपके लिए। बाकी देखो हम चार लोग जा रहे हैं, मैं और ये तीन, बाकी अभी हमें अगर सिंगल डे के लिए जाना होता तो हम एक कौन सा आउट पास बनाना पड़ता है, डे आउट पास बनाना पड़ता है, और अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा जाना है तो लीव आउट पास, तो अभी आउट पास बनवा लेते हैं और बताते हैं आपको। यहीं पे पास में एक मॉल है वो भी दिखा दूंगा आपको, कभी आप आना चाहो तो उसमें भी जा सकते हो, ये भी मतलब सही है ना। मैं पहली बार जा रहा हूँ, देखो एक साल हो गया मुझे कॉलेज में, ये बंदा तो कम से कम 20-25 बार घूम आया होगा, है हो गया, मैं तो झूठे को बोल रहा था, सच्ची में निकल आया, लेकिन कोई बात नहीं बताते हैं आपको जैसे सीन होगा। गाइस एक्चुअली हमने कार तो बुक कर, क्या गाड़ी का नंबर क्या है? 7462। अच्छा अभी आई नहीं है, बाकी हमने ऊबर बुक कर लिया, और बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसा है, तो देखो यहाँ पे एक एक मिनट की दूरी पे कार वगैरह खड़ी रहती है, टैक्सी वगैरह, और बाकी ऐसी सुविधा भी है, ऐसे भैया लोग मतलब हेल्प कर देते हैं आपको कहीं भी जाना हो, ऑटो वगैरह भी रहता है, और बाकी ये मेरी गाड़ी खड़ी है वो निकाल रहा हो ना पीछे से। बाकी गाइस हमने गाड़ी वगैरह बुक कर दी है, और यहाँ से वैसे 5-10 मिनट की दूरी पे ही है, मैं आपको एक्चुअली मॉल भी दिखा दूंगा कौन सा मॉल है, यही है, तो देख लो हमें इस वाली गाड़ी से जाना है। अब गाड़ी का नंबर जूम करके दिखा देता हूँ, लो है ठीक है क्या? गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। गाइस हम निकल गए हैं, ये कार बैठे हैं, हमने टैक्सी बुक कराई थी तो हम जा रहे हैं, बाकी ये मॉल जो है वो हमारे कॉलेज से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो 10 से 15 मिनट लगती है पहुँचने में, बाकी बाहर का सीन इतना ऐसा है। हेलो बोलो चलो, ये देखो आसपास तो वैसे सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही आप देख सकते हो, पर हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हैं, चलो पहुँचते हैं फिर बताएंगे। गाइस हम मॉल आ गए हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो ऐसा मॉल है, ये इसका नाम ग्रैंड विनाइस है, वेनिस, सॉरी सॉरी ग्रैंड वेनिस, और बाकी यहाँ पे भैया ने हमें उतार दिया है, प्रतीक पेमेंट कर रहा है, बाकी ज़्यादातर बच्चे हमारे कॉलेज के नहीं आते हैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ मिल जाता है आपको कॉलेज से रिलेटेड है क्या, ये देखो ना वो नहाने के लिए यहाँ पे इतना सारा, अरे बेटे गाड़ी आ गई भाई साइड में हो जाओ, ये थोड़ा सा मतलब रोमन कल्चर है ना, तो उससे मतलब थोड़ा सा इंस्पायर होकर बनाए, ये देखो गेट पे इन्होंने ये भी लगा रखे हैं, हाँ आई डी कार्ड दिखा दो, ओ भाई ठंडक सी लग रही है काफ़ी, बाकी ये देखो ऐसा सीन है बच्चे घूम रहे हैं, ये देखो मैं बता रहा था ना आपको थोड़ा रोमन से इंस्पायर है वो, इसीलिए ये इनकी थीम थोड़ी सी इटली वाली है, अरे भाई वो थोड़ा नहीं, मैं पहली बार एस्केलेटर पे चढ़ा हूँ सच में, अबे चल हल्का सा मजाक कर दो बस, कर नहीं ये गाजियाबाद से थोड़ा सा दूर, ओ मॉल में तो हम आ गए हैं, एंट्री वगैरह कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं जैसे भी सीनों का, अंदर जाके कंटिन्यू करता हूँ। गाइज अंदर से कुछ ये मॉल ऐसा दिखता है आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे खाने पीने के लिए वैसे सब कुछ है ना, कोई ऐसे कुछ कमी वगैरह की बात तो है नहीं, मैं वैसे दूसरी बार आया हूँ, 5-6 साल पहले आया था, बाकी यहाँ पे दो सुंदर सुंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको कुछ बोलना तो नहीं है कार से रिलेटेड? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम भी किसी दिन ले ही लेंगे,
रेंट छोटी बात मत करा करो, कह रहे रेंट कर लेंगे। अबे एक ऑडी बोल रहा हूं, अबे देख भी नहीं पाएगा आजा। ये बजा सकते हैं क्या पियानो? हां बजाएंगे भाई। ग्रैंड पियानो तो मैंने मैंने पहली बार ही देखा रियल लाइफ में। ये वाला तो पहली बार देखा है। तेरा पियानो ये देखो मस्त है, बढ़िया भाई तरीके से बनाया। यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा, अरे हमारे टीम के बंदे पहले, ये पौधे के लिए, पौधे लेने आपको देख क्या? नहीं भाई रहने दे। ये यहाँ पे बोटिंग का है ना, यहाँ पे वो बंदा घुमाता गाना गाते हुए बंद करवा दिया। अबे मैंने कहा हमारे आते पानी खत्म हो गया। अच्छा बाकी मैं आपको साइड से व्यू दिखाता हूँ अभी जाके। ये ब्लॉग तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा लंबा बन जाएगा। गाइस देख लो ऐसा सीन है। गाइस वैसे जो मॉल है ना वो बेसिकली फेमस तो इसी चीज की वजह से है। ये देख लो ये बोट में बैठ के भैया घुमाते और गाने वाने भी गाते थे। कभी कभार इनका मन होता है तो मतलब गुस्सा आ जाता है, उतार भी देते पानी। ऐसा कुछ नहीं है, पानी तो काफ़ी ज़्यादा साफ है, मेंटेन कर रखा भाई। बाकी मॉल तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई नहीं है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। हाँ मतलब एवरेज है। बाकी चलते हैं ऊपर और आपको अपडेट देता हूँ जैसे भी जो भी सीन होगा। बाकी लेट्स गो फिर से एस्केलेटर। गाइस यहाँ इस मॉल के थर्ड फ्लोर पे साइन पॉलिस है, यहाँ पे हम जा रहे हैं। इसी में हम मूवी वगैरह देखेंगे तो अभी तो अंदर जाते हैं। बाकी आपको बता देता हूँ मूवी हम कौन सी देख रहे हैं, गॉडज़िला वर्सेस किंग कॉन्ग का कोई पार्ट है वो देख लेना आप जैसे भी हो। बाकी यहाँ से क्या टिकट बुक करानी है और बाकी देखते हैं यहाँ पे भी जो भी सीन होगा। आर्मी वाले क्यों खड़े हैं? अरे रुक जा यार, टिकट के बाद ही जाएंगे, ऐसे अंदर नहीं जा सकते शायद। टिकट देखते हैं पहले, वो ऐसे अलाउड नहीं है, अंदर घूमते थोड़ी होगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हें फॉलो करा करो। ओके हाँ शांत हो जाओ। मतलब देखते हैं जैसे भी जो सीन होगा फिर बताते हैं। गाइस मूवी में 10 से 15 मिनट बाकी हैं, हमें भूख लग रही थी तो हमने बर्गर किंग से बर्गर ले लिए। ये आप ये वाला ऑफर देख लेना, ये कहाँ गया? अरे अरे उस पर लगा हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला, ये जो है ना ये, तो हमने ये वाला बर्गर ले लिए। बाकी अभी 10 से 15 मिनट बाकी है। क्या कह रहे हो? सब्सक्राइब करो। तो अभी 5-10 मिनट वेट करके हमारा ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे पिकअप का लिखा हुआ है वो देख लो, हमारा नंबर कौन सा और वहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है। तो अभी देखते हैं फिर बताएंगे आपको जैसे भी हो। हम वापस थिएटर आ गए हैं, हमारी मूवी एक्चुअली ऑडिटोरियम का मतलब ऑडिटोरियम ही तो है, वन में है। बाकी यहाँ भीड़ वगैरह हो रही है काफ़ी ज़्यादा, मैनेज कर लेना यहाँ पे। और मूवी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी देखे आए हम, ये देख लो ये वाली है। और ठीक है मतलब है ज़्यादा ना बोले हैं। चलो अभी मूवी देखने जाएंगे तो बता देंगे आपको। गाइस देख लो ऐसा कुछ थिएटर है, ये कुछ दिख नहीं रहा। बाकी ये 3D ग्लासेस दिए इन्होंने क्योंकि 3D मूवी है। हेलो बोलो। बाकी यहाँ पे ऐसी कुछ, ये मतलब दिख नहीं रहा होगा आपको यार काफ़ी ज़्यादा। अरे हाँ अब दिख जाएगा। लॉर्ड टिकिन घर पे आए, बेचारा आज भी अकेला ही सोएगा। गाइस हम तो एक्चुअली हमारा खाना खाने का वहाँ पे मूड हो नहीं रहा था, ऐसा ही प्लान था ना। हाँ। हमें वैरायटी चाहिए थी इसलिए अब हम जा रहे हैं। MG कॉमेट खड़ी हो देखो, छोटी वाली, वो देखो वहाँ पे छोटी सी है। अब हम जा रहे हैं Alpha 2, हमारे कॉलेज से लगभग कितना दूर है टोटल? 15-20 मिनट की दूरी पे, किलोमीटर बताओ? 5-10 किलोमीटर आप लगा लेना। अबे ज्यादा मत बोल, शांत बैठा रहे ठीक है। ये देखो बाहर का रास्ता देख लो आप। गाइस आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और इनका भी कर लेना आप। सही से चलो, क्या कह रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन। चलो बढ़िया है, बताते हैं आपको पहुंच के। गाइस हम आ गए हैं, ये यहाँ पे ना एक फेमस ये मार्केट है, यहीं पे कॉलेज के ज्यादातर बच्चे आ जाते हैं। ये Alpha 2 करके इसका नाम है, Alpha 2 मतलब ये सेक्टर है, इसके अंदर ये मार्केट है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह मिल जाता है ज्यादातर, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे जगह है, देख लो। अभी भी हम यहाँ पे आए हैं, हम भी सोच रहे हैं कुछ खा लें। आप कौन से शेक की बात कर रहे थे? अच्छा तू नहीं है, आगे वाले से बात करवा। बाकी देख लो ऐसे ऐसे है सब कुछ, बढ़िया बना रखा है इन्होंने। बाकी आपको मैं बताता हूँ जैसे भी होगा, जब तक थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या एक ही जगह पे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में मतलब काफ़ी सारी जगह है। ब्रांडेड स्टोर है,
दिखाओ यार दिखाओ, देख लो आप ऐसा सीन है कुछ। क्या है, क्या कह रहे हैं? सही कह रहा है जो भी कह रहा है। ठीक है चलो हम दिखाते हैं आपको जो खाएंगे उसके बाद। गाइज हम तो ये मतलब साउथ इंडियन एक दुकान है, डोसा वगैरह मिलता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अभी डोसे मंगाए हैं। डोसे डोसा मंगाया है, डोसा खाएंगे ये तीनों। तो सामने से पता नहीं मोमोज खाने गए हैं, ये यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, अभी आ रहे हैं तो खाते हैं। बीफ इसके बाद आपको अपडेट दूंगा जैसे भी होगा, तो जब तक के लिए। गाइज खाना तो हो गया, अब यहाँ पे हम शेक ले रहे हैं, ये कॉफ़ी किंग करके जहाँ पे है, वो हमने यहाँ से अभी डोसा खाया ना उसके साइड में है, तो यहाँ से हमने हटाना। ये ऐसा कुछ मेन्यू देख लेना आप लोग, ये है वैसे कहाँ पर, ये बेक हाउस है ना इसके सामने ही जस्ट है, तो अभी ये करते हैं और बाकी हम कैब बुक करके अब जा रहे हैं। बुक करो जब तक आप कैब बुक कर लो, आने में टाइम लगेगा। नहीं आ जाएगी, तो फिर अभी हम इसके बाद कॉलेज जाएंगे, फिर आपको बताते हैं जैसे भी जो भी सीन होगा। गाइज हम तो कॉलेज में वापस आ गए हैं बाहर, इतना थोड़ा सा घूम फिर के मस्ती करके। बाकी मूवी वॉज एवरेज, ठीक ठाक है। प्रतीक ज़्यादा फूलो मत, खाना खा लिया ना इसलिए फूलो मत ज़्यादा। बाकी डिनर की तो हम किसी उम्मीद में है नहीं, वॉक कर लेंगे, वो देखेंगे वो बाद में देखेंगे जैसे भी है। बाकी अभी रूम पे चलते हैं, बाकी मैंने कल वाला व्लॉग भी एडिट नहीं करा, वो भी एडिट करना है, और पहुँचते हैं रूम पे। ये मतलब एक्चुअली मैंने आज आप सोच रहे हो कॉलेज का व्लॉग नहीं दिखाया, बाहर का भी इसलिए दिखाया, थोड़ा सा आपको बाहर का भी पता होना चाहिए, मुझे पहली बार ही पता चला। सही बात, तो आपको भी पता चल जाए तो बढ़िया है। चलते हैं रूम में, उसके बाद आपको अपडेट देंगे। गाइज अराउंड 11:30 हो रहे हैं, हम तो कॉलेज में वापस आ गए थे, मैंने आपको दिखाया था जैसे कि, तो हम उसके बाद रूम में बैठे थे और कुछ अपनी डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, तो उसमें टाइम निकल गया। और बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी आपको कल बताऊँगा जैसे भी होगा। तो अगर किसी को भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो, या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके मुझे DM कर देना। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। सुबह देखने वालों के लिए गुड मॉर्निंग, शाम को देखने वालों के लिए गुड इवनिंग, और रात को देखने वालों के लिए गुड नाइट। बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।